नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। इंदौर में कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को जमकर घेरा। ठेले पर खिलौने जमा करने के सवाल पर विजय लक्ष्मी साधव और कांतिलाल भूरिया ने सीएम पर जमकर कटाक्ष करे। साधव ने तो यहां तक कह दिया कि सीएम को एक्टिव में अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ देंगे, तो वहीं कांतिलाल भूरिया ने कहा कि अगर सीएम खिलौने से खेलेंगे तो सरकार कौन चलाएगा। दरअसल दोनों दिग्गज बुधवार को कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित संभागीय स्तर की बैठक में शामिल होने आए थे। मीडिया से चर्चा के दौरान विजय लक्ष्मी साधव ने कहा कि मामा के पास विकास नाम की चीज नहीं है, पैसा नहीं है, लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, अब उनको छोटे छोटे बच्चे याद आ गए हैं। 15 साल में क्या देखा, क्या किया, अब चुनाव आ गए हैं, 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं और अब खिलौने बटोरने में लगे हैं, यह सब तमाशे और नाटकबाजी है। हमारे नेता सही बोलते हैं कि शिवराज मामा को मुंबई जाना चाहिए, वहां एक्टिंग में ये सफल हो जाएंगे, अमिताभ बच्चन को भी ये पीछे छोड़ देंगे। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने सीएम को खिलौने जमा करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम के पास कुछ काम नहीं बचा है, खिलौने जमा कर खिलौने खेलेंगे। सीएम का काम नहीं है खिलौने जमा करना, सीएम खुद ही खिलौने खेलने लग जाएंगे तो सरकार कौन चलाएगा। वहीं चुनाव को लेकर वो बोले कि चुनाव संविधान के अनुसार होता है, सरकार चुनाव को लेकर दुविधा में है, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार है। मामा के पास विकास नाम की तो कोई चीज है नहीं, पैसा टका है नहीं, तनख्वाह मिल नहीं रही लोगों को, तो अब उनको छोटे छोटे बच्चे याद आ गए। ये हमारे नेताजी सही बोलते हैं कि शिवराज मामा को जो है वो बॉम्बे जाना चाहिए, वहाँ बढ़िया एक्टिंग में ये सफल हो जाएंगे, अमिताभ बच्चन को भी ये पीछे धकेल देंगे। मुख्यमंत्री के पास कोई काम ही नहीं बचा, खिलौना इकट्ठा करेंगे, खिलौना खेलेंगे खेलने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का काम थोड़ी खिलौना इकट्ठा करना, अगर मुख्यमंत्री खुद ही खिलौना खेलने लग जाएगा तो सरकार कौन चलाएगा।